मुंबई 2.0 परिषदेच्या कार्यक्रमात किंग खान शाहरुखनं मुख्यमंत्र्यांना मुंबईच्या विकासाबाबत आणि सद्यस्थितीबाबत बोलतं केलं. शाहरुखच्या प्रश्नांना यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सुद्धा मनमोकळी उत्तरं दिली. भविष्यातील मुंबई मुख्यमंत्र्यांच्या नजरेतून आपण जाणून घेऊया. But just normal citizens, what, sir, Mumbaikers, what do you expect of them? No, one thing I would like to say that the biggest asset of this city is its people and the spirit of Mumbai. I think Mumbai has a wonderful culture. I mean, if you go to Delhi or even if you go to Pune, which is cultural capital of Maharashtra. But I would say that the type of discipline which you see in the people of Mumbai, you don't see in any other city. Meet me, they compliment me about, you know, building the metros. I always feel that they will say ki kitna yaar tamasha karke rakh diya aap logon ne, do do ghanta hum travel kar rahe hain aur itni pareshani hum log jhel rahe hain. Aisa koi nahi kehta hai. To mujhe lagta hai ki ye Mumbai ki bahut achhi cheez hai. Aur dusra ye hai ki Mumbaikars ne agar jaisa aapne kaha complain karna chhod diya to hum bhi complacent ho jayenge. So I think it's better ki aap log bolte rahiye, kya hona chahiye bolte rahiye. उससे हम लोगों को भी काम करने में मुझे ऐसा लगता है कि एक ऊर्जा भी मिलेगी और एक दिशा भी मिलेगी. और जितना ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन, मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई के बारे में एक इमेज कई बार लोग ये कहते हैं कि पीपल मीन बिजनेस, और इसलिए ये लोग जो है बाकी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेते, ये अपना काम ठीक ठाक करते हैं. पर मुझे ऐसा लगता नहीं है. मुंबई के लोग जो है ये अपने नेबरहुड में क्या चल रहा है उसकी भी उनको जानकारी होती है और दे आर क्वाइट कंसर्न अबाउट इट. सो ये जो एक मुंबई की एबिलिटी है, यही एबिलिटी मुझे ऐसा लगता है कि इसको एक अच्छा शहर बना सकती है. तो मुझे लगता है कि मैं मुंबई के लोगों से क्या एक्सपेक्ट करूँ ये मैं नहीं कह सकता. मुंबई के लोग मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये जानने की कोशिश मैं करता हूँ, और उसको अगर मैं ठीक से कर पाया तो मुंबई के लोग बार बार मुझे यहाँ बुलाएंगे. विजन, मैं ये सब ये कॉरपोरेट लोग हैं यहाँ पे, तो विजन मिशन होता है, तो आपका विजन क्या है मुंबई के लिए? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कई बार लोग मुझे पूछते हैं, और पहले लोग ये कहते थे कि विल मेक मुंबई को हम शंघाई बनाएंगे, विल मेक शंघाई. बट मुझे लगता है कि मुंबई इज अ मुंबई, इसका एक अपना कल्चर है, इसका अपना एक स्पिरिट है, मुंबई की का एक अपना फ्लेवर है. सो मुझे लगता है कि उसी मुंबई के फ्लेवर को हम लोग बरकरार रखते हुए, कीपिंग इट इंटैक्ट, I want to make Mumbai more accessible to every Mumbaikar. जैसे आपने कहा ये सिटी ऑफ ड्रीम्स है, हर आदमी यहाँ आता है और उसका ड्रीम पूरा होता है. लेकिन एक बड़ा तबका मुंबई का ऐसा है कि जिसका ड्रीम पूरा नहीं हो पाया है, जो ड्रीम लेकर आया है लेकिन अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, उसके लिए भी मुंबई उसकी ड्रीम्स पूरी करने वाली मुंबई बने, इस प्रकार की का माहौल हमको यहाँ तैयार करना है. और मुझे लगता है यही मेरा मिशन है, दैट्स माई मिशन. बचपन से मुझे टीचर्स बहुत अच्छे लगते हैं, और मैं एक्टर से ज़्यादा टीचर खुद बनना चाह रहा था, और अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मौका मिला है, एटलीस्ट मेरे फील्ड में मैं ऐसा कुछ क्रिएट कर सकता हूँ जिससे नौजवान बच्चे, बिकॉज यू नो विद सोशल मीडिया, मीडिया इटसेल्फ हैज़ बिकम अ लार्जर प्लेटफॉर्म देन इट वॉज जस्ट विद टेलीविजन एंड फिल्म्स, वेदर इट वॉज इंडियन फिल्म्स और इवन इंटरनेशनल टेलीविजन. आई थिंक सोशल मीडिया इज मेकिंग एवरीबडी मीडिया सैवी, और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास अभी भी वीडियो लिटरेसी कम है. हम जो लोग हैं, व्हेन आई से वीडियो लिटरेसी आई विल एक्सप्लेन इट फॉर अ मिनट, हम लोग जो हैं बोल बच्चन वाले हैं, हमारा जो कल्चर है बात करने वाला है, हम म्यूज़िक सुनने वाले हैं, हमारे देश में जितने भी लोग हैं हम बातचीत बहुत करते हैं, लेकिन विजुअल मीडियम जो है उसको हम कम ध्यान देते हैं. हम बहुत खूबसूरत पोएट्स भी होते हैं, हमारे सिंगर्स भी हैं, राइटर्स भी हैं, एंड आई एम श्योर आर्टिस्ट भी हैं, बट विजुअल मीडियम इतनी तेज़ बढ़ रहा है दुनिया के अंदर. फॉर एग्जांपल, पहले हम जब ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सुनते थे तो इमेजिन करते थे कैसा सब कुछ होगा, या डैफोडिल सुनते थे, अब सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है. एंड आई थिंक वो सब चीज़ों को समझने और गलत चीज़ों को उस समझ से अलग हटाने के लिए वीडियो लिटरेसी बहुत ज़रूरी है. सो बिकॉज वो मेरा मीडियम है, यू नो, मीडिया एंड वीडियो, सो आई फील अगर एजुकेटिव फील्ड के अंदर मैं कोई ऐसी चीज़ कर सकूँ तो मेरे को लगेगा मैं मुंबई को अपनी जो मुझे ज़िंदगी मुंबई ने दी है, जो आई थिंक दुनिया में सबसे बेहतरीन और खूबसूरत है, तो बहुत बहुत धन्यवाद मुंबई का, मुंबईकर्स का, आप सबका. बट मेरा दिल ये है कि मैं कुछ छोटा सा अगर कुछ कर सकूँ तो एजुकेशन फील्ड में करना चाहूँगा. बच्चों के लिए अगर डिजिटल लाइब्रेरीज बनानी हो मुंबई शहर में तो उसका आप
सहयोग? मोस्ट सर्टनली, मोस्ट सर्टनली. और मेरा एक और है कि मैं आर्काइवल में मानता हूँ कि चीज़ें आर्काइव होनी चाहिए. और मुंबई में इतनी सारी चीज़ें हैं, हमारे पास है फिल्म डिवीजन है यहाँ पे, और मुझे मालूम है कुछ लोग अब कोशिश भी कर रहे हैं, बट मेरा बहुत शौक है कि मैं एक आर्काइवल सेंटर करूँ, एंड दैट आर्काइवल सेंटर कैन डेवलप फॉर डिजिटल कॉन्टेंट फॉर चिल्ड्रन ऑल्सो. तो बच्चों का भी काम होगा, और जो हमारी पुरानी चीज़ें हैं मुझे लगता है हम उन्हें घुमा देते हैं, क्योंकि फिल्म इज़ अ वेरी इम्परमनेंट मीडियम. बट नाउ विद ऑल द काइंड ऑफ डिजिटल स्टफ वी हैव, आई थिंक वी कैन रिटेन इट, लर्न फ्रॉम इट. एंड आई पर्सनली बिलीव इंडिया, मुंबई, ऑल ऑफ अस हैव द बेस्ट स्टोरीज टू टेल. हमारे माँ बाप, ग्रैंड पेरेंट्स वो पुरानी जो कहानियाँ सुनाते थे, आई थिंक वी नीड टू कीप देम अलाइव. आई थिंक इट्स नॉट जस्ट अबाउट रीमिक्सिंग अ सॉन्ग, इट्स अबाउट रीप्रेजेंटिंग इट अगेन टू द यंगर जनरेशन, टू टेल देम व्हाट अ कल्चर एंड वेयर वी केम फ्रॉम. एंड आई थिंक आवर स्टोरीज आर गोइंग टू बी द बेस्ट स्टोरीज इन द वर्ल्ड, रादर देन स्टीलिंग स्टोरीज फ्रॉम हेयर एंड देयर एंड पुटिंग इट बैक. And I also want to just make one last point, sorry, is that, you know, when Fadnavis Saab talks about the resilience of Mumbaikars, ki agar waqt thoda zyada lag raha hai to ek patience hai, patience se zyada ek resilience hai. Hamari city mein kai baar, whether it's been rains, whether it's been traffic jams, whether it's been other kind of wrongdoings, problems hui hain yahan par, lekin Mumbai has always been resilient and has come forth and stood forth and fought everything off with love and kindness plus a lot of guts. But mujhe aisa lagta hai ki the other thing we should add to Mumbaikar is the magical part of Mumbaikar. Ek hai resilient Mumbai hai, ek hai khubsurat Mumbai hai, but I think ek magical Mumbai banane ki bahut zarurat hai humko. Aur main isliye kahunga uske andar teen C's hain sir, which I believe should be encouraged in a city like ours, because hum itne diverse hain. I think healthy competition between companies, between people, between every aspect of life in Mumbai, ki hum compete karein ek dusre se, even government agencies to compete with each other, ki kaun behtar kaam kar sakta hai. So I think healthy competition. The second part is creativity. I think Mumbai is a hub of creativity. Hum kehte rehte hain ki business, Mumbai is the city of business. I think it is a city of creativity. Kyunki aajkal ka jo medium hai, wahan creative log बहुत अच्छा है कि छोटे छोटे फंक्शंस, छोटी छोटी आर्ट गैलरीज में सब कुछ होता है, बट आई थिंक द वर्ल्ड हैज बिकम लार्जर, एंड इफ इट हैज टू गो टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इट विल हैव टू टेक द डिजिटल रूट. तो यहाँ पे क्रिएटिव हब हम क्रिएट करें कि जो भी क्रिएटिव आदमी है, सिर्फ फिल्मों में नहीं बट गायक हैं, पेंटर्स हैं, पोइट्स हैं, यहाँ पर आकर अपना एक फ्यूचर देख सकें, एक सोशल एनवायरनमेंट ऐसा हो. एंड थर्ड सी इज कल्चरल इंक्लूसिवनेस, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इतने डाइवर्स हैं, हम एक दूसरे का किसी भी किस्म का झगड़ा, किसी किस्म का कल्चरल या रिलीजियस एस्पेक्ट जो है, वी शुड नेवर एवर क्वेश्चन. आई वुड लाइक एक्चुअली, इफ इट इज पॉसिबल, आई नो लेजिस्लेचर इज नॉट पॉसिबल, दैट एवरीबडी इन मुंबई शुड सेलिब्रेट एवरी रिलीजियस फेस्टिवल. नॉट दैट वी डोंट डू इट, वी ऑलरेडी डू इट, बट दैट शुड बी एन एस्पेक्ट कि हम सब लोग जो हैं, चाहे वो गणपति विसर्जन है, चाहे वो ईद है, चाहे वो होली है, चाहे वो दशहरा है, चाहे वो दिवाली है, विच एवर एस्पेक्ट है, चाहे गुरु नानक जयंती है, वी शुड ऑल come together as a city, and there should be an attitude that we are inclusive about cultures. We'll be inclusive about cultures, creativity will come. If creativity is there, competition will come. And if all these three C's get fulfilled, I think Mumbai is will become even more magical than it is right. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आज कांदिवलीमध्ये उत्तर भारतीयांच्या व्यासपीठावर जाणार आहेत. मनसेच्या या बदलत्या भूमिकेवर खरं तर संजय निरुपम यांनी टीकाही केली होती, पण तरीही राज ठाकरेंनी हे निमंत्रण स्वीकारलं, आणि त्यामुळे या कार्यक्रमामध्ये राज ठाकरे नेमकं काय बोलतात याकडे सगळ्या महाराष्ट्राचं लक्ष लागलंय. जर बिहार सरकारने महाराष्ट्राच्या पोलिसांवरती अपहरणाच्या केसेस जर समजा टाकल्या, तर मी महाराष्ट्रामधले जेवढे बिहारी आहेत यांना मी घुसखोर ठरवून महाराष्ट्राच्या बाहेर काढीन. परप्रांतीयांविरोधातली राज ठाकरेंची ही अशी चितावणीखोर भाषा सर्वांनाच परिचयाची आहे. उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या भागातून 48 ट्रेन रोज येत आहेत. कुठे जात आहेत? मुंबईत येत आहेत, ठाण्यात जात आहेत, पुण्याला जात आहेत, कोल्हापूरला जात आहेत. कोणत्या गाड्यांमधून उतरतंय, कुठे जातंय, काय करतंय माहिती नाही, आणि त्याच्यानंतर पोलिसांवरती दोष द्यायचे. पण आता हेच राज ठाकरे उत्तर भारतीयांच्या कार्यक्रमात हजेरी लावणार आहेत. या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने उत्तर भारतीयांच्या मनात मनसेसोबत असलेले गैरसमज दूर होतील असा कार्यक्रमाच्या आयोजकांचा दावा आहे. तर आगामी निवडणुकांमध्ये हिंदी भाषिकांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही
असा एक मतप्रवाह मनस येते। कदाचित त्यामुळेच राज ठाकरेंनी हे उत्तर भारतीयांचं निमंत्रण स्वीकारल्याचं बोललं जातंय। राज ठाकरे आणि हिंदी भाषिकांच्या वाढत्या जवळिकीबद्दल मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम बोलले नसते तर नवलच। रेल्वे भरती आंदोलनादरम्यान उत्तर भारतीय विद्यार्थ्यांना झालेली मारहाण याबद्दल राज ठाकरेंनी पहिली माफी मागावी, नंतरच हिंदी भाषिकांच्या स्टेजवर यावं असा टोला संजय निरुपम यांनी लगावलाय। या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने संजय निरुपम यांनी मनसेवर टीका करणं तसं अपेक्षित होतं, पण या सोबतच मनसेच्या उत्तर भारतीयांसंबंधीच्या या बदलत्या भूमिकेबद्दल काही प्रश्न उपस्थित झालेत। विशेषतः उत्तर भारतीय समाजातूनच हे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत। राज ठाकरेंना उत्तर भारतीयांचे प्रश्न। मुंबईत आजवर मनसे कार्यकर्त्यांकडून उत्तर भारतीयांना झालेल्या मारहाणीबद्दल राज ठाकरे माफी मागणार का? मुंबईत सर्वच जाती धर्माचे फेरीवाले धंदे लावतात, मग फक्त उत्तर भारतीयांनाच का टार्गेट केलं जातं? मनसेकडून उत्तर भारतीयांवर होणारे हल्ले यापुढे तरी थांबणार का? राज ठाकरे यापुढे तरी उत्तर भारतीयांना टार्गेट करणं थांबवणार का? मुंबईत मनसेकडून यापुढे तरी उत्तर भारतीयांना सन्मानाची वागणूक मिळणार आहे का? आजवर फक्त मराठीच्या मुद्द्यापुरता मर्यादित राहिलेला राज ठाकरेंचा मनसे पक्ष या कांदिवलीतील कार्यक्रमाच्या निमित्ताने प्रथमच उत्तर भाषिकांना आकर्षित करू पाहतोय, पण आजवरचा मनसेचा खळखट्याचा अनुभव पाहता उत्तर भारतीय राज ठाकरेंच्या या बदलत्या भूमिकेवर खरंच मनसे विश्वास ठेवणार का हे आगामी निवडणुकीनंतरच स्पष्ट होईल। विवेक कुलकर्णीसह ब्युरो रिपोर्ट, News18 लोकमत, मुंबई। आणि याविषयी अधिक माहिती घेऊयात, आपले प्रतिनिधी प्रफुल्ल साळुंखे आपल्या सोबत आहेत। प्रफुल्ल, आपण बघतोय राज ठाकरे आज उत्तर भारतीयांच्या व्यासपीठावर जाणार आहेत, नेमकं या सगळ्या कार्यक्रमाबद्दल सांगशील? किती वाजता कार्यक्रम सुरू होणार आणि राज ठाकरेंबरोबर कोण कोण असतील? संदीप, आज संध्याकाळी 5 वाजेच्या दरम्यान उत्तर भारतीय महापंचायतचा हा कार्यक्रम आहे आणि यात राज ठाकरे यांना निमंत्रित करण्यात आलं आहे। या संपूर्ण कार्यक्रमात वेगवेगळे जे गट आहेत उत्तर भारतीयांचे, ते एकत्रपणे हा महापंचायतीचा कार्यक्रम जो आहे तो करत असतात। या सगळ्या पार्श्वभूमीवर राज ठाकरे हे या व्यासपीठावर काय बोलणार आणि कुठली भूमिका मांडणार हे अत्यंत याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे, कारण मनसेचा उदय जो झालेला आहे तो मराठी माणसाचे हक्क यासाठी जी लढाई मनसेच्या वतीनं लढण्यात आली होती त्याच आधारावर मनसे महाराष्ट्रात मोठा झाला आणि जवळपास 13 आमदार जे आहेत ते महाराष्ट्रात निवडून आले आणि विशेषतः मुंबईत आमदारांची संख्या देखील होती। महानगरपालिकेत देखील थेट विरोधी पक्षापर्यंत बदल जी आहे ती मनसेची गेली होती। या सगळ्या जर आपण गोष्टी जर आपण पाहिल्यात तर अशा परिस्थितीनंतर थेट उत्तर भारतीयांच्या व्यासपीठावर जाणं जिथून आपली लढाई सुरू झाली, कारण एकेकाळी शिवसेनेनं देखील मराठीचा मुद्दा घेतला आणि नंतर कालांतराने जशी जशी सत्ता वाढत गेली तसा तसा उत्तर भारतीयांना देखील सर्व उत्तर भारतीयांचा देखील समावेश करत शिवसेनेनं आपले पाळमुळे आणखी या ठिकाणी घट्ट केले। त्याच आधारावर मनसे देखील अशा परिस्थितीने जातोय का हे पाहणं आवश्यकच ठरेल, पण खऱ्या अर्थानं अजूनही मनसेची जी पूर्वीची परिस्थिती होती ती आता राहिलेली नाही। अशा परिस्थितीमध्ये थेट मनसे उत्तर भारतीयांसोबत जर जुळून घेत असेल तर कुठेतरी मराठी मतं अजूनही त्यांच्यासोबत राहतील का हा देखील आजच्या संध्याकाळच्या कार्यक्रमानंतर ठरणार। अगदी धन्यवाद प्रफुल्ल तुम्ही दिलेली या संपूर्ण माहितीबद्दल। त्यामुळे संध्याकाळी राज ठाकरे काय बोलणार याकडे सगळ्या महाराष्ट्राचं लक्ष लागलंय। एक छोटासा ब्रेक घेऊन पुन्हा परतूया, पहा फक्त News18 लोकमत।